नमस्कार। आज हम चर्चा करने वाले हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर, जिससे प्रश्न जरूर आता है हर कॉम्पिटेटिव एग्जाम में। जो एग्रीकल्चर से, कृषि से संबंधित एग्जाम होते हैं, चाहे वो बीएससी के लिए एंट्रेंस एग्जाम हो, चाहे एमएससी यूपी कैडेट के लिए एंट्रेंस एग्जाम हो, हर एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। और फर्स्ट ईयर बीएससी एजी सेमेस्टर एग्जाम के लिए भी ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, मृदा विज्ञान। तो आज हम मृदा विज्ञान पर चर्चा करने वाले हैं, जिसको आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से पढ़ना है और नोट्स बनाकर उसे तैयार करना है। तो आइए हम लोग पढ़ते हैं। तो सबसे पहले जानेंगे कि मृदा होती क्या है, यानी कि सॉयल। सॉयल जिसको हिंदी में मृदा कहते हैं। तो मृदा जो है, सॉयल एक, मैंने बताया था कि जो शब्द होते हैं इनकी किसी न किसी भाषा से उत्पत्ति हुई होती है। तो अब मृदा जो है यह एक लैटिन भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द है? सॉयल इज ए लैटिन वर्ड। कैसा शब्द है? आप लोगों को याद रखना है, लैटिन, लैटिन भाषा का शब्द है। अब बात की जाए कि मृदा होती क्या है, बात हम करेंगे कि मृदा होती क्या है। तो मृदा जो होती है वो जो भू प्रॉपर्टी होती है, यानी कि अर्थ सरफेस जिसको इंग्लिश में कहते हैं, तो ये एक दरअसल ये एक प्राकृतिक पिंड है। भू प्रॉपर्टी पर उपस्थित खनिज पदार्थों एवं कार्बनिक पदार्थों के, खनिज पदार्थों के टूटने फूटने एवं कार्बनिक पदार्थों के सड़ने गलने से मिलकर बने तत्व को क्या कहते हैं? मृदा कहते हैं, या बने उत्पाद को मृदा कहते हैं। मृदा का निर्माण कैसे होता है? खनिज पदार्थों जैसे कि चट्टानों आदि के टूटने फूटने, उनकी वेदरिंग होने से, या कार्बनिक पदार्थ जो होते हैं ह्यूमस वगैरह, उनके सड़ने से मिलकर बने जो उत्पाद होते हैं उसको मृदा कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? मृदा कहते हैं। अब मृदा में दो मुख्य अवधारणाएं हैं, कौन कौन सी? एक तो है पैडोलॉजी, 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 पैडोलॉजी। तो पैडोलॉजी की अगर बात करें तो पैडोलॉजी में हम ये जानते हैं कि जो मृदा है वह एक प्राकृतिक पिंड है, यानी कि सॉयल जो है, अब पूछ लेगा सॉयल इज ए, सॉयल इज ए नेचुरल बॉडी, नेचुरल बॉडी, सॉयल इज ए नेचुरल बॉडी। मृदा एक प्राकृतिक पिंड है। मृदा क्या है? प्राकृतिक। तो सॉयल इज ए नेचुरल बॉडी जब कहेगा तब वो पैडोलॉजी होगा। और सॉयल इज ए नेचुरल हैबिटेट, सॉयल इज ए नेचुरल, नेचुरल हैबिटेट फॉर प्लांट, प्लांट। तो जब पौधों के लिए, पेड़ पौधों के लिए वह एक नेचुरल हैबिटेट, आवास का काम करे, तब वो क्या होता है? एडेफोलॉजी। लेकिन सॉयल इज ए नेचुरल बॉडी, पहले हम पैडोलॉजी की बात कर रहे हैं, तो वो क्या होगा? पैडो जो है, पैडोस सबसे मिलकर बना है, पैडोस प्लस लोगस, यानी कि पैडोलॉजी, मैंने बताया था लॉजी से संबंधित सभी शब्द जो होते हैं वो ग्रीक भाषा से बिलोंग करते हैं। तो लॉजी, पैडोलॉजी क्या है? ग्रीक भाषा का एक शब्द है, पैडोस जो है वो ग्रीक शब्द है, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे कि जो पैडोलॉजी है इसमें हम क्या करते हैं, किस चीज का अध्ययन करते हैं? पैडोलॉजी में, पैडोलॉजी में हम लोग किस चीज का अध्ययन करते हैं? तो पैडोलॉजी में हम, अभी हमने बताया कि सॉयल इज ए नेचुरल बॉडी, यानी कि पैडोलॉजी के अनुसार मृदा, आप इसको लिख सकते हैं कि पैडोलॉजी के अनुसार मृदा एक खनिज पदार्थों या चट्टानों के टूटने फूटने से निर्मित, उसकी वेदरिंग से निर्मित एक प्राकृतिक पदार्थ है। कैसा पदार्थ है? एक प्राकृतिक पदार्थ है, एक प्राकृतिक पदार्थ है, ठीक है। तो ये एक प्राकृतिक पदार्थ है जो कि वेदरिंग से निर्मित होता है,
पड़ोस का मतलब भी होता है पृथ्वी, ठीक है, या भूमि। तो अब हम बात करेंगे कि जो प्राकृतिक पदार्थ है इसमें हम किन चीजों का अध्ययन करेंगे। तो मृदा की ओरिजिन यानी कि उत्पत्ति, उत्पत्ति क्लासिफिकेशन, हिंदी में भी इसको लिख सकते हैं क्लासिफिकेशन यानी कि मृदा की उत्पत्ति, क्लासिफिकेशन यानी कि उसका वर्गीकरण, ठीक है, उसका नेचर, इसका हम अध्ययन, उसकी प्रकृति जो है उसका अध्ययन करेंगे पेडोलॉजी में। इसका उपयोग, तो ये पूछेगा कि ओरिजिन एंड क्लासिफिकेशन, इसका इससे संबंधित चीजों का हम अध्ययन किसमें करेंगे, पेडोलॉजी में। पेडोलॉजी में हम उसमें क्या पोषक तत्व पाए जाते हैं, क्या पोषक तत्व की कमी है मृदा में, उससे हमारा कोई संबंध नहीं है। ये मुख्यतः इंजीनियर्स के लिए होता है कि जैसे किसी जगह से रेलवे ट्रैक निकालना है, तो अगर रेलवे की पटरी, रेलवे ट्रैक मतलब रेलवे की पटरी, अब रेलवे की पटरी निकालना है तो वहां पर हम ये देखेंगे कि मृदा में कटान कैसी मृदा है, उसका कटान होगा कि नहीं, उसका सॉइल स्ट्रक्चर टेक्सचर, ये चीजें हम देखेंगे, ना कि उसमें ये देखेंगे कि उसमें नाइट्रोजन की मात्रा कितनी है, फास्फोरस कितनी है, जिंक की कमी तो नहीं, ये चीजें नहीं देखेंगे, क्योंकि इन चीजों का रेलवे ट्रैक से या इंजीनियर से संबंधित जो भी हम, अगर वहां पर कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है तो उसमें मृदा में पोषक तत्व तो कितने हैं कितने नहीं, इससे कोई मतलब नहीं होता है, ठीक है। तो अब ये पेडोलॉजी जो है मुख्यतः इंजीनियरिंग के लिए जो होती है, कंस्ट्रक्शन का काम करने के लिए जो भी चीजें मृदा का हम अध्ययन करेंगे कि कैसी मृदा है, यहाँ पर कितनी गहराई पर पिलर बनना है, ट्रैक कैसा बनना है, उन चीजों को, तो ये पेडोलॉजी होगी। अब बात करेंगे फादर ऑफ पेडोलॉजी यानी कि मृदा विज्ञान के जनक, मृदा विज्ञान के जनक, फादर ऑफ पेडोलॉजी, तो कौन है, वीवी डाकू चेव, डाकूचेव यानी कि मृदा विज्ञान के जनक, फादर ऑफ पेडोलॉजी कौन है, डाकूचेव। तो अब ये पेडोलॉजी की बात हो गई, पेडोलॉजी के बाद हम चर्चा करेंगे इडेफोलॉजी पर, पेडोलॉजी के बाद चर्चा किस पे करेंगे, इडेफोलॉजी पर। तो अब हम चर्चा करेंगे इडेफोलॉजी पर, इडेफोलॉजी। तो अभी हमने बताया था कि इडेफोलॉजी के अनुसार सॉयल इज ए नेचुरल हैबिटेट टू द प्लांट, यानी कि इडेफोलॉजी के अनुसार मृदा जो है वह एक प्राकृतिक आवास है, पौधों के लिए प्राकृतिक आवास है। इडेफोलॉजी के अनुसार मृदा पेड़ पौधों का, हिंदी में भी लिख सकते हैं पेड़ पौधों का प्राकृतिक आवास है, प्राकृतिक आवास है। इडेफोलॉजी के अनुसार मृदा पेड़ पौधों का एक प्राकृतिक आवास है, यानी कि सॉयल इज ए नेचुरल हैबिटेट टू द प्लांट। जब नेचुरल हैबिटेट टू द प्लांट बात करें तब इडेफोलॉजी, और नेचुरल बॉडी कहे यानी कि उसमें हमको, अगर नेचुरल बॉडी का मतलब ये है कि उसमें पोषक तत्व तो है कि नहीं है, हमसे कोई मतलब नहीं, उसकी उत्पत्ति उसकी वर्गीकरण का हम अध्ययन करेंगे किसमें, पेडोलॉजी में। लेकिन अब हम बात करेंगे इडेफोलॉजी, इडेफोलॉजी में क्या होगा कि मृदा के पोषक तत्व, मृदा के पोषक तत्व पौधों की वृद्धि, यानी मृदा के पोषक तत्व और पौधों की वृद्धि से संबंधित जो भी चीजें होती हैं मृदा में, यानी सॉयल में कितना, कितने पोषक तत्व हैं, किन पोषक तत्वों की कमी है, किन पोषक तत्वों की कमी नहीं है, इन सब चीजों की
की जानकारी हमको इडेफोलॉजी में मिलती है। किसमें मिलती है? यानी कि फसलोत्पादन संबंधित मृदा की समस्त चीजों का या समस्त जानकारी का हम अध्ययन, ये सभी समस्त जानकारी हमको कहाँ मिलती है? पौधों से संबंधित समस्त पोषक तत्व एवं अन्य मृदा संबंधित क्रियाओं का अध्ययन हम इडेफोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। किसके अंतर्गत करते हैं? इडेफोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। इडेफोलॉजी के अनुसार यानी कि पौधों के उत्पादन या फसलोत्पादन संबंधित समस्त चीजों का अध्ययन हम जिसमें करते हैं वो इडेफोलॉजी कहलाती है। तो पैडोलॉजी और इडेफोलॉजी में आपको अंतर समझ में आया होगा कि पैडोलॉजी किस लिए उपयोगी है और इडेफोलॉजी। तो अब एग्रीकल्चर के लिए वो इडेफोलॉजी का उपयोग है। एग्रीकल्चर के लिए किस चीज का उपयोग है? इडेफोलॉजी का उपयोग है, मतलब पौधों के फसलोत्पादन संबंधित समस्त गुणों का अध्ययन, पौधों की या फसलों की, जो पौधे होते हैं उन्हीं से मिलकर एक फसल बनती है। तो फसलों उत्पादन संबंधित समस्त गुणों का अध्ययन क्या कहलाता है? इडेफोलॉजी कहलाता है। ठीक है, तो आपको जो मुख्य मुख्य बिंदु है वो याद रखने हैं, जैसे कि मृदा, सॉइल क्या है, लैटिन वर्ड, सॉइल एक लैटिन वर्ड से उत्पन्न हुई जिसको सोलम कहते हैं। तो सोलम का मतलब होता है फ्लोर, FLOOR, फ्लोर का मतलब होता है सरफेस, यानी कि सतह। तो सॉइल किस शब्द से उत्पन्न हुई? सॉइल एक लैटिन भाषा का शब्द है जिसका, जो सोलम से बना है, सोलम का मतलब होता है फ्लोर यानी कि सरफेस, यानी कि जो ऊपरी सतह है सॉइल। इसमें जो है दो उदाहरणाएं है, पैडोलॉजी इडेफोलॉजी। अब पैडोलॉजी के अनुसार सॉइल ये नेचुरल बॉडी या एक प्राकृतिक पिंड है जिसमें मृदा के उत्पत्ति और उसके वर्गीकरण का अध्ययन किया जाता है, और ये मुख्यतः इंजीनियर्स के लिए उपयोगी होती है। और पैडोलॉजी जो होती है, इसके फादर ऑफ पैडोलॉजी जो कहे जाएंगे वो वीवी डाकुचियो, कभी कभी मृदा विज्ञान के पिता पूछे तो वीवी डाकुचियो। अब इडेफोलॉजी की बात करें तो जैसे पैडोलॉजी के अनुसार सॉइल इज ए नेचुरल बॉडी था, वैसे इडेफोलॉजी के अनुसार सॉइल इज ए नेचुरल हैबिटेट टू दी प्लांट। इसमें जो है मृदा में उपस्थित पोषक तत्व एवं फसलोत्पादन संबंधित मृदा की समस्त जानकारियों का अध्ययन हम किसमें करेंगे? इडेफोलॉजी में करेंगे। तो ये पैडोलॉजी और इडेफोलॉजी हो गई। धन्यवाद।